आज है जी नोना का रिजल्ट का दिन और अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से सीधा स्कूल। एक बैटरी दिखा रहा है जी कि 96% है, दूसरी बैटरी दिखा रहा है 81% है। कैफे है वो भाई, बहुत ही कमाल का है। और पंकज ने जो है ना अपने लिए भी एक साइकिल देखनी थी, तो वो भी हम देखने के लिए आए थे। हाँ जी, हम आए हुए हैं जी आज सुबह सुबह मंदिर में जी, क्योंकि आज है जी नोना का रिजल्ट का दिन और अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से सीधा स्कूल। बाकी आप सबको गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलते हैं सबसे पहले जो है ना जी स्कूल जाके रिजल्ट देखते हैं। वैसे तो अच्छा ही होगा, मुझे पता है काफ़ी मेहनत करी है इसने। बाकी वेदांत टूट गया था अभी हमारे निकलते निकलते, उससे बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते आए, नहीं तो फिर वो भी अकड़ जाता कि मुझे भी साथ जाना है। और फिर वो परेशान बहुत करता है, असल बात क्या है कि वो टिकता नहीं है, उसने इधर उधर भागना जरूर है। Two hours later. हाँ जी, रिजल्ट लेकर हम आ गए हैं जी और नोना के आए हैं जी 92.3% और काफ़ी अच्छे नंबर आ गए हैं, बहुत खुश है। और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ जी दलिया, ठीक है जी। आज का अपना नाश्ता है जी ये फर्स्ट क्लास घर का बना हुआ दलिया, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करना है, वेदांत को लेके जाना है उसकी क्लास में। Six hours later. तो भाई सुबह से तो जो है ना जी आज बच्चों के एडमिशन में बिजी था, बहुत टाइम लग गया भाई स्कूल में, और दो दो बच्चों का होना तो और ज्यादा जो है ना भाई, ये फीस वो फीस, दुनिया भर के जो है नई बुक्स लेनी, ये सब में बहुत टाइम लग गया। अब जाके घर से बाहर निकले और वो भी नई वीडियो शूट करने के लिए, और अभी ये स्कूटी जो है ना हमें हर रोज कुछ नया सरप्राइज देती है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अब एरर्स भी दिख रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो, अब एक बैटरी दिखा रहा है जी कि 96% है, दूसरी बैटरी दिखा रहा है 81% है। मैंने कहा देखता हूँ बैटरी कितनी चार्ज हुई है, रेंज 101 दिखा रहा था, अब एकदम से कुछ और ही दिखा रहा है। ये एक जो है ना भाई इलेक्ट्रिक वाली में ना हर रोज जो नए प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे धीरे वो जो सामने आ रहे हैं बग जो धीरे धीरे इसके अंदर है। एक तो ऐप देला काम की नहीं चलती भाई, जो इन्होंने बड़ा रोला पा रखा ना, आप मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल से स्कूटी स्टार्ट कर लो या कुछ, बंदा बैठे ही रह जाएगा स्कूटी स्टार्ट करने के लिए। सही बात है, बहुत परेशान है यार। अब ये एक ना हम सर्विस करवा आए हैं, मैंने सर्विस की वीडियो भी दिखाई थी, ये एरर देखो ये कब से आ रहा है। अब ये उनसे हमने पूछा है, वो कहते जी अपने आप हट जाएगा, अपने आप कब हट जाएगा भाई, आज कम से कम 15 दिन तो होगा इसको। और बैटरी का कितना डिफरेंस आ रहा है, 1-2% का तो चलो सुना है लोगों का कि आ जाता है फर्क, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा है भाई। चलो अब देखते हैं कहीं पंगा ना पड़ जाए, घर से निकले जी कहीं वीडियो शीडियो शूट करने के लिए, देखते हैं आज कहाँ की बनती है। भाई मैं ना यहाँ पर मदनगिर में आया हूँ, पंकज किसी काम से ना अंदर मीटिंग के लिए गया हुआ है। आपको एक और नई समस्या दिखाता हूँ, इस स्कूटी में कमाल कमाल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ देखो भाई, ये अभी ऑफ में है, मैंने ये बटन जो है ये मोटर ऑन ये कर दिया ऑफ, ठीक है जी, ये मैंने ऑन कर दिया है। अब ये क्लच दबा के, ठीक है ये क्लच दबाया है, और ये वाला बटन दबाना कैसे करूँ, चलो ये वाले हाथ से करता हूँ पहले, एक मिनट रुको। ये देखो जी ये ऑन नहीं हो रहा, ये ब्रेक दबा दी, ये हो गया। ओ पंकज आ गया, पंकज पंकज जरा एक मिनट, जरा एक मिनट, ये दबाइयो, ये क्लच दबा इधर से, ये मैं दबाता हूँ तू ऑन कर, ये ले मैंने दबाया, ऑन करियो जरा। ये देख भाई एक और नई समस्या, ये दबा दिया ऑन नहीं हो रहा, उधर वाला क्लच दबा, अब ऑन करना इसको, ऑन ही नहीं हो रही है। अब ये भी एक इनकी समस्या है, ठीक है जी ये ऑफ कर दिया, बंद होके ऑन होगी ना। हाँ अब ये इसको ऑन करो, हुई नहीं, हो गई, अब करिए ऑन, वहां से दबा ब्रेक, तू वहां से भी हो जाती है ये भैया। आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके की दिक्कतें जो ना, ये मैं वीडियो भी भेजूंगा उनको, विदा वालों को। चल चले हो गए काम, चलो जी चलते हैं। तो जी यहाँ से आपको एंट्री करनी है, और राइट हैंड में जी अपना जो है जी कैफे है, वो भाई बहुत ही कमाल का है, एम्बियंस वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब भाई आज जो है ना जी हम बिल्कुल ही नई लोकेशन पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए, और बिल्कुल नई जगह पे फर्स्ट टाइम यहाँ की जो है ना वीडियो शूट हो रही है। जगह बहुत कमाल की है, आपको एम्बियंस दिखाता हूँ जरा, आप एम्बियंस देखो। ये वीडियो आपको शाम को 6 बजे वाली वीडियो में देखने को मिलेगी जी, एंबियंस कमाल का। बाकी फूड का रिव्यू तो आपको उस चैनल में मिल जाएगा, बाकी कुछ अलग कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूट्यूब में पहले नहीं है। बिल्कुल, मतलब नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। अब मेहनत तो पूरी है, फूड जब आएगा तो फूड के बारे में तो पता ही है, क्योंकि अभी फूड के बारे में तो कुछ खास आइडिया नहीं है। चलो ये अपनी वीडियो हो गई है जी खत्म, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर। सोचा तो ये था कि यहाँ पे वीडियो शूट करके ना थोड़ा सा और
इस एरिया के बारे में जरा देख लेंगे, क्योंकि लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अब टाइम यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा लग गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर, क्योंकि घर से फ़ोन भी आ रहा है कि जल्दी आ जाओ भाई। PVR साकेत के सामने से निकल रहे हैं जी, और यहीं पर हमने मीटअप रखा था। और एक चीज़ यार अभी ध्यान आई है मुझे कि अभी तो मेरे को घर जाके जो है ना साइकिल पे पंचर भी लगवाना है भाई। टाइम हो रहा है 9:16 जी, और मैं जो है ना निकल गया हूँ सैर करने के लिए। मैं और पंकज दोनों आए हुए थे मार्केट जरा किसी काम से, और पंकज ने जो है ना अपने लिए भी एक साइकिल देखनी थी, तो वो भी हम देखने के लिए आए थे। मैंने कहा दोनों भाई जो है ना अगर साथ होंगे तो जरा साइकिल चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो साइकिल देखी तो है अभी, लेकिन पसंद नहीं करी, फाइनल नहीं करी मतलब। कल एक बार फिर आएंगे मार्केट तो देखेंगे। बाकी अभी मैं निकल गया हूँ जी यहाँ से मार्केट से ना सैर करने के लिए। मैं कहा एक बढ़िया सा जो है ना राउंड लगा कर आता हूँ, क्योंकि अब आज तो साइकिल भी नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिला उसको पंचर लगवाने का। राउंड लगाते हैं अपना। लो भाई सैर करते करते मैं पहुँच गया हूँ जी पंचशील पार्क के मेट्रो स्टेशन पर। और यहाँ पर जो है ना भाई मेट्रो स्टेशन को लोगों ने बैडमिंटन खेलने की जगह बना रखी है भाई साहब। यहाँ तो फैमिली वाले वजह से बैठ कर यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, वो देख रहे हो। ये चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले भी नोटिस करी थी, खास करके ना मैंने सिर्फ इसी मेट्रो स्टेशन पे देखा है कि आराम से यहाँ के लोग जो है ना आकर बड़े मज़े से अपना टाइम पास करते हैं। अच्छा है वैसे तो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बाकी मेरे को भाई ये देख के थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि इस तरीके का माहौल आपने दिल्ली के या कहीं और इलाकों के किसी और मेट्रो स्टेशन में नहीं देखोगा। और मैं ना बात करते करते फिर मेन रोड पर आ गया, अंदर से जो है ना सर्विस लाइन से चलते हैं, अंदर अंदर से जाते हैं जी आराम से। बाहर तो है भाई तगड़े वाला ट्रैफिक, ये सड़क अपनी पूरी की पूरी खाली है। यहाँ पे हम अपना आराम से ना सैर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत होती है इस टाइम पे, कई लोग जो है ना जी सैर वैर करवा रहे होते हैं अपने डॉग्स को, तो कई बार खुला छोड़ देते हैं, वो एक बहुत बड़ी डेंजरस वाली बात है। लो जी टाइम हो रहा है जी 10:12 और अपने स्टेप हो गए जी 7,616। और मैं जब चला था ना वहाँ से तब 1.2 किलोमीटर हो रखे थे ऑलरेडी, और अब हो गए जी 5.3। तो मतलब मैं 4 किलोमीटर की जो है ना सैर कराया हूँ, और भाई साहब क्या तगड़े लेवल का पसीना आ रखा है ना, बैंड बज गई है। और रास्ते में कहीं पर भी जो है ना रुका नहीं हूँ, मतलब ऑलमोस्ट चलता ही रहा हूँ। एक आध सेकंड के लिए जब बीच में वीडियो बनाई थी तब उस टाइम में जरा सा रुका था। ओ थक गया भाई बहुत बुरी तरह। तो भाई घर आए हुए यार पूरा आधा पूरा घंटा हो गया, आके आधा घंटा पहले आराम किया, उसके बाद भाई मुँह धोया और लगे हाथ ना भाई शेव भी कर ली, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पे ना हल्की हल्की सी खारिश हो रही थी, तो मैंने कहा शेव भी कर लेते, सुबह तो करनी ही करनी है। और सुबह सोच रहा हूँ भाई एक बार ना बाल कटवाने भी चला जाओ, बाल पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े से लग रहे हैं, गर्मी लग रही है। असल बात ना सर भी पसीने से पूरा भीगा हुआ है। अपनी तरफ से तो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बाकी घर में भाई घर के लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब भी है फिर भी वो मुझे कह रही है कि नहीं तो अपनी सैर करने भी जा, जो तूने शुरू किया है इसको पूरा कंप्लीट कर। वो भी बहुत खुश है कि इसी बहाने मैं अपना वजन जो है ना कम कर रहा हूँ, एक गला जो है ना साथ नहीं दे रहा, हर वक्त ऐसे गले में लगता है जैसे खराश सी है, बलगम सी है। खैर बाकी अगर वीडियो यार यहाँ तक देख ले भाई तो वीडियो को जो है ना लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।